अवसर में लगते हैं। अब ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। ये क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेड से 9th में मूव कर चुके हैं। मैं उनको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या कौन से यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में क्या क्या टॉपिक है, ये सारे कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर होता है? जिस चैप्टर को मैं डबल गुड लगाऊंगा यानी कि डबल मार्किंग करूंगा, वो चैप्टर बहुत ही खास होगा और इम्पोर्टेंट होगा, और जिस पे सिंगल गुड वो उससे कम होगा। बट याद रखने वाली बात ये होगी सिर्फ और सिर्फ, जिसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस पे मैं गुड ना मारूं या फिर डबल गुड ना लगाऊं, सिंगल गुड ही लगाऊं, उस पर उतना ध्यान नहीं देना। आपके पास पूरे साल का समय होता है, इसीलिए आप पूरे साल चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा और हर एक चैप्टर के ऊपर बराबर वर्क दीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो सच में खास है, अनमोल है, जस्ट लाइक ए प्रीसियस स्टोन्स। तो आओ चलो देखते हैं उसी चैप्टर्स के बारे में बातें करते हुए, मैं आपसे बताता हूँ, शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि कौन सा चैप्टर्स क्या है और क्या नहीं है। इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलराइट। तब यूनिट फर्स्ट, सबसे पहला यूनिट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में आपको जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। यूनिट फर्स्ट है और उसमें नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानना होगा कि किसी भी नंबर को ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे, किस चीज पे, तो नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, या फिर डेसिमल को हम लोग किस प्रकार से एक रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 0.45 ये सब होता है, होता है ना। तो उसको आखिरकार हाउ, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखें, या फिर रूट के केसेस में अगर मैं तुझे बताऊं तो 2√3 या फिर इसी के जैसा बहुत कुछ, 5√3 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उसी की चर्चा होगी, और प्रूव करना होगा कि अगर √2 है वो रेशनल है कि इरेशनल है, अगर इरेशनल है तो कैसे, इरेशनल है तो कैसे प्रूव कीजिए। तो ये जो आप नंबर सिस्टम देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इसमें इससे क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बोर्ड में भी दे देगा, लेकिन बोर्ड में 9th में हो इसीलिए बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन रूल तो यही है कि अब 10th में तो नीचे वाला प्रश्न किए जाएंगे और आपको देना होगा, लेकिन आता नहीं है। लेकिन जो आपका स्कूल्स में है कहीं भी वहां एग्जाम पर जाम लेगा तो ये नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सिस्टम। जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में मैं तुझसे कहूं तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि अलजेब्रा के नाम से ही डर लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड कुछ रहता नहीं है, बस ऐसा ही वेरिएबल्स का खेल है। इस अलजेब्रा में यूनिट 2 में अलजेब्रा है, जैसे कि मैं कहूं कि ये जो पूरे के पूरे देश है उसका नाम है इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे सिटी है जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, राजस्थान एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये इसी अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 2 में पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स में आपको जानना होगा कि बाई कौन है, पॉलीनोमियल्स का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनियल, ये सारे लीनियर पॉलीनोमियल, ये सारे बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ट्राइनियल पॉलीनोमियल, ये सारे के सारे आपको जानना होगा इसी पॉलीनोमियल्स चैप्टर्स में। इससे क्वेश्चंस अक्सर किया जाता है, बट बस ये सिंगल गुड ही इसके लिए इनफ। नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल। आखिरकार पॉलीनोमियल को फैक्टर
फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, यानी कि रूट के फॉर्म में है तो उस रूट को कैसे हटाया जाए और एक कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे लिखा जाए, इसी की बातें मैं करूंगा। तो फैक्टराइजेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है और खास भी है। नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बातें हो रही है, नाम ही है इसका, इक्वेशन होगा वो भी लीनियर यानी कि सिंगल, लेकिन कितने वेरिएबल्स होंगे, तो दो होंगे, एक्स और वाई रहेगा। इन वन वेरिएबल भी रहता, लेकिन अब टू वेरिएबल्स आपको पढ़ना, आपको निकालना होगा वैल्यूज वगैरह, किसका कितना सॉल्यूशन होगा, उसका कितना सॉल्यूशन होगा, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आपको पता करना पड़ेगा जी कि है कि नहीं है। और इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो यही होगा, जैसे कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना हो, x और y का वैल्यू को दिया हुआ रहेगा, निकाल निकाल के लिख लिख के, फिर आपको जो एक डायग्राम जो आपको कॉपी आता है, ग्राफ का कॉपी, ग्राफ कॉपी उसे बोलते हैं, उस पर आपको दर्शाना होगा, चिन्हित करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा या फिर कुछ ऐसे भी आ सकता है, जैसे भी आ जाए, तो उसके जिस प्रकार से जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार से डील करेंगे, उसके अनुसार से टैकल करेंगे। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से आपको ग्राफ कॉपी पर मार करके बना करके आपको सिखाऊंगा, बस अर्थे आप सीखने के लिए तैयार हो, रेडी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, ऑल क्लियर। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इसी लीनियर इक्वेशन इन टू। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, x1 x2 y1 y2 जो बच्चे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। जैसे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिर करके खेलना क्या है, जैसे मैं कहूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो हमको बताइए कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, अरे यहां कहां, तो तुम कहोगे ना इस कैमरे से मैं खड़ा हूं, जब भी 2 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी, कहोगे जैसे मेरा हैंड जो है वो इस बोर्ड से, उंगली मेरा है लेफ्ट हैंड का 4th फिंगर इस बोर्ड से दूरी है कितना दूरी पर, ये जो मार्कर का जो लंबा लेंथ है उतना ही दूरी पर, लेकिन कहां से, तो इस बोर्ड से, ठीक उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही होता है स्टूडेंट, आपको बता दिया जाएगा कि यहां पे और ऐसे, लेकिन कहां से, जैसे मैं आपसे घर का पता पूछूं, तेरे घर का पता अगर पता करना होगा तो कैसे बताओगे, ऐसे बोलते चले जाओगे कि मेरा ये है, वहां जाना, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, फिर बैक वाला कोर्नी में जाना, फिर पतला रास्ता मिलेगा, फिर वहां से जाना तो चौड़ा पहिया मिलेगा, फिर चार, फिर 3 कोण वाला रास्ता मिला, फिर वहां से यू-टर्न लेना, तो फिर लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद फिर दाएं जाकर के वहां घुमा करके इंटर मारना, फिर वहां पे एक पान का दुकान है, पान का दुकान वाला से पूछा, बोलते हैं आगे जाओ, आगे जाने के बाद एक शॉप मिला, वहां पे चाय का ठेला, चाय का ठेला से बाएं साइड जाना, बाएं साइड से जाकर के लेफ्ट साइड जाना, फिर वहां से स्टेशन आएगा, स्टेशन से एक मंदिर देखेगा, मंदिर के पास जाना, वहां से ये है वो, ऐसे ही बताओ, अरे नहीं जी, एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूं, आप कह रहे हैं तो यहां से ये होगा और यहां से ऐसा जाना, तो ठीक वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होता है, पूरे का पूरे नक्शा बताना। तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और आपको फिजिक्स में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम देगा, इसीलिए याद रखना, और 12th में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम देगा, इसीलिए बी सीरियस अबाउट दिस चैप्टर। तो इतना सारा चैप्टर आप देख लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे की बातें करूंगा, इसे देख लोगे, लिख लोगे, कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो हमसे पूछ लेगा, पूछने में शक नहीं करना, और क्लियर। अब अपने यहां तक देख चुके हैं और चैप्टर 5 तक देख लिए, अब नेक्स्ट यूनिट की मैं बातें करूं, तो यूनिट 3 है जिसका नाम है ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री में बहुत कुछ हमको पढ़ना होगा,
खास है, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस ज्योमेट्री के अंतर्गत में। जैसे ही ज्योमेट्री नाम सुनाई देता है, मन में हलचल सा हो जाता है कि अच्छा अब तो स्टोन बॉक्स निकालना ही पड़ेगा, बक्से में से घोड़ा में करके रख ले उसमें से, बैग में से, क्योंकि ज्योमेट्री में यही खेला है। पर जरूरी नहीं कि ज्योमेट्री का मतलब ही हो कंस्ट्रक्शन वगैरह, बट ज्योमेट्री जैसे ही बोले तो कुछ कुछ दिमाग में आता है कि वो स्टोन बॉक्स का इस्तेमाल होने वाला, लाइंस, एंगल, ट्रैक, ये सब का क्या होना चाहिए। ज्योमेट्री का नाम सुनते हैं, इस ज्योमेट्री में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, बट मैं आपको टोटल चैप्टर लिखा दूं, इसलिए चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में बताया जाएगा। आखिरकार ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री है क्या? यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में मैं आपसे कहूं तो मैं इतना ही कहूंगा, यूक्लिड्स कुछ खास काम नहीं किया है, कुछ पोस्टुलेट एक्सियम्स है उसे ही बताया है। यानी कि वैसा कोई चीज रहता है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे ही चीजों को पता है। जैसे अगर ये पैरेलल है आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसके सामने और एक लाइन खींचेंगे पैरेलल, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। जैसे मैं सपोज दैट ये दो मार्कर आपस में पैरेलल है, मैंने नीचे हाथ खींचा है तो ये हैंड है, इसके पैरेलल खींचा है तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा। आप इतना सोच सकते हैं कैसे हो, है ना? तो वही हाल है। जैसे मतलब जैसे कि 2/4 है, तो 2/4 में हम गुना कर रहे हैं ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो कौन फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही सारा खेल है इस सीक्रेट्स ज्योमेट्री में, कुछ खास नहीं, इसलिए ऑनली सिंगल कोडिंग लगा। चैप्टर 7, लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल में आपको यही जानना होगा कि आपको बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के दे देंगे लाइंस एंगल्स, और उसमें कहेगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, इस एंगल का कितना डिग्री ये एंगल बना रहा है, बहुत सारे कोरिस्पोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आई मीन टू से उत्तर, ये सारे आपको जानना होगा इसी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। बट ओनली वन बुक कि ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के बारे में मैं अगर तुझसे बताऊं कि ट्रायंगल आपको जानना होगा, बहुत सारे इसमें कुछ थ्योरम्स भी दिए हुए हैं, एरियाज भी निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए, दो दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ जी जिसका एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल है और इसका साइड इतना है, तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा उसका क्या साइड होगा, ऐसे सेवन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही सारे ट्रायंगल्स दिए, ऐसे सेवन ट्रायंगल, बट ट्रायंगल ओनली वन। बट एक बात याद रहे कि ट्रायंगल पे पकड़ होनी चाहिए तभी कुछ आगे जाकर के काम बनेगा। कैसे मैं बताऊं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स के बारे में बात, congruence of triangles and inequalities in a triangle, congruency पाना पूरे के पूरे chapters को मैं कहूँ तो congruence, यानी कि दो triangle है आपके पास, आपके पास दो चीज है, मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, but मुझे एक ही चीज पता है, उस triangle को किसी भी तरह से equal करना, यानी कि बराबर करना, सिर्फ देखने में नहीं लगे बल्कि हर एक तरीके से equal हो जाए वो triangle। Are you getting my point? What I'm teaching here? I hope you are getting my point. It's all right, no problem. तो चलो देखते हैं। ये जैसे triple S, side angle side, angle side, यही सारे तरीके हैं दो triangle को आपस में congruent करने। एक चीज का ध्यान दे रहे हो, दो triangle congruent है और दो triangle similar है, ये अलग अलग बात है।
सिमिलर देखने में अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका साइज ही सेम हो, बट जहां कॉन्करेंसी का सवाल उठता है तो हर एक चीज में ही इक्वल होना चाहिए। हम कहें हैं दीज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इट्स ऑल राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी नाइंथ में ही पढ़ना है, इसीलिए इसकी पकड़ होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टर्म आता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आपको जानना है ट्रैपीजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम यही होता है। तो इसके बारे में जाना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, उसी प्रकार से ट्रैपीजियम, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम फाइंड कीजिए, हर क्या होगा वो निकाल लिया। तो इस क्वाड्रिलेटर के बारे में आपको जानना चाहिए, इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक क्वेश्चन अक्सर देने जाता है। एरिया जो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, देखो अब एरिया तो निकालेंगे, एरिया इस ट्रायंगल में भी निकालना है, इस क्वाड्रिलेटर में भी निकालना, बट ये जो स्पेशल केस दिया गया है ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम, इसमें एक हीरो फार्मूला दिया गया, इसको हीरो फार्मूला के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला, बहुत शानदार फार्मूला, हीरो फार्मूला, नाम ही है शानदार, तो फार्मूला भी शानदार ही होगा, हीरो फार्मूला है ना। जब हीरो फार्मूला मैं तुझसे पढ़ा दूंगा तो ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स सो इजी टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग हीरो फॉर्मूला इन लेस टाइम। बहुत ही कम समय में आप जल्दी से इसे शुरू कर लीजिएगा। मैंने भरोसा किया है आप पे, आप ये कर सकते हैं, थोड़ा देना भरोसा है ना, लेकिन हम विश्वास तभी करेंगे जब तुम भरोसा कर तोड़ेंगे। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता सर्कल। सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है। सेकंड क्या होता है, कोड क्या होता है, डायमीटर क्या है, यही सब सेमी सर्कल वगैरह, बहुत सारे थियोरम्स के बारे में भी जानना होगा इसी सर्कल के बारे में। तो हमको पता होना चाहिए वो आर्क ऑफ ए सर्कल, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल थियोरम्स है। कि जब कोड जो है वो ट्रैक वो सर्कल को डिफाइन कर रहा है, तो जो इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड, perpendicular drawn to this code, it will bisect the code R. कुछ इसी प्रकार से जानना होगा, आपको find out करना होगा क्या 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 होगा, इस code का लंबाई क्या होगा, ये circle का areas क्या होगा, इसका length क्या होगा, अंदर में दिया गया code का length कितना। तो very interesting chapter और इस circle से भी होना ही चाहिए। और सच कहें तो ninth में इस circle आपको detail में जानना है, tenth में तो है भी नहीं, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा है। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कोई भी लाइंस को कैसे डिवाइड करेंगे, टेंजेंट ऑफ ऑन ए सर्कल कैसे ड्रा करें, दो सर्कल के ऊपर टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर सर्कल, ट्रायंगल को ड्रा करके उसको डिवाइड कैसे करना, पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल बॉक्स का ही खेलना है। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको टेंथ में भी है, तो अगर नाइन्थ में ही नहीं पढ़ोगे तो टेंथ में का कैसे पढ़ोगे। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिएगा पूरा साल का समय, इसीलिए हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट होता है, सारा का सारा बेस होता है। जैसे अगर टेंथ वाले इलेवन ट्वेल्व में काम देगा, इलेवन ट्वेल्व में पढ़ाई करेगा, उसको और बी एस सी की पढ़ाई करने में आसान होगी। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर होता है। इतना तक आप लिख लीजिए और बाकी मैं आगे की बातें करता हूँ, है ना। तो देख लेगा सारा का सारा कुछ मैंने आपको लिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा है, और ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्लियर होता है। ओके और चलो देखते हैं। तब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब अभी तक आपने देख लिया, अब नेक्स्ट चैप्टर्स जो पढ़ने लायक चीजें है मैं उसे बता दूं, जिसका नाम है यूनिट 5, उसका नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के बारे में मैं आपसे बताऊंगा।
मेंसुरेशन सच में बहुत ही खास चैप्टर है अपने आप में। बच्चों लोगों को इसका ही सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि टीएस से जो सुना है सीएस ऑफ सिलेंडर टीएस ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम सरफेस एरिया ये सब क्या होते हैं टोटल सरफेस एरिया ये से क्या मतलब सीएस कर्व सरफेस एरिया कोण के बारे में जाना होगा स्फीयर के बारे में जाना होगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ये सारे के सारे आपको जानना है ये मेंसुरेशन के अंदर बट मेंसुरेशन में जो चैप्टर 14 है वो एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ ये एक्चुअली बेसिकली मैंने इसके इस चैप्टर के बारे में आपको 11 12 चैप्टर पीछे लिखा है उसमें ही बोल दिया कि हीरोंस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा वो इसी चैप्टर में हीरोंस फार्मूला का लिखा जाएगा बट आपको मैंने उसी क्षण बता दिया उसी समय बता दिया इसलिए मैंने आपको बता दिया तब आपका दिमाग में रहा है कि नहीं इसी चैप्टर में आने वाला पैरेलल में ट्रायंगल ना लिखा चैप्टर 11 में उसी चैप्टर में मैंने कह दिया सबको बेसिक मजबूत होने चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल को कंप्लीट होगा तभी जाकर के ये जो चैप्टर आपको दिया गया है डिटेल में दिया गया है इसमें हीरोंस फार्मूला को जाकर के अब अप्लाई होगा और फिर ये आसान हो जाएगा आपको एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्लियर होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीरोंस फार्मूला इसी चैप्टर में दिया गया है मैंने उसमें बताया उसी समय बता दिया था नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बहुत ही खास वही सिलेंडर कोन स्फीयर क्यूब क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ ये सब जानना है आपको वर्टिसेस क्या होते हैं फेस कितने होते हैं ये सारा का सारा चर्चा किया जाएगा इसी चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही खास 10th में भी है नेक्स्ट आता है इसका नाम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 6 एंड दिस इज योर फाइनल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर का ये फाइनल यूनिट होता है स्टैटिक्स एंड इसी प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आओ चलो देखते हैं तो चैप्टर 16 है जिसका नाम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबलर किसी भी प्रकार का मेरे पास डाटा है अगर तुझे नहीं पता कि स्टैटिक्स क्या होता है तो मैं तुझे बता दूं यह एक तरीका है इंफॉर्मेशन को डाटा को एनालाइज करने का इंटरप्रिटेशन करने का दर्शाने का लिखने का जैसे स्कूल तो जाते हैं स्कूल में अटेंडेंस नहीं बढ़ता है या फिर किसने कितना नंबर लाया हर एक का बनता ना प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोग्रेस कार्ड नहीं बनता कितना नंबर आया जस्ट लाइक दैट ठीक उसी तरह का एक तरीका हुआ लिखने का जिसको मैं टैली मार्क भी लिखना है तो टैली मार्क ये सब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको बताएंगे इसी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म के रूप में कैसे लिखे थे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बार ग्राफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बहुत ही अच्छा है बट इसमें सिर्फ ग्राफ के ही रिलेटेड बातें करना है और ग्राफ बनाने में बहुत अच्छा लगा ये हिस्टोग्राम का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ग्राफिकल चीज है जब मैं इस चैप्टर को डील करूंगा ग्राफ मैं जब लेकर के आऊंगा तो मैं बताऊंगा इसीलिए रिलैक्स एंड कूल डाउन चलो ठीक है बट ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ उतना कुछ खास नहीं है और टेबुलर फॉर्म के रूप में दिया गया है इसीलिए कुछ खास नहीं ओनली सिंगल कोड ही लगा इसको चलो अच्छी बात है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है प्रोबेबिलिटी ओनली वन गुड क्यों क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ बहुत ज्यादा आपको 10th में इस प्रोबेबिलिटी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना होगा बट अभी बस ऐसे ही दिया हुआ कुछ जानकारी दी हुआ मीन मीडियन एंड मोड मीन कैसे निकालेंगे सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का क्या तरीका मीडियन क्या होते हैं मोड क्या होते हैं जब आप 10th में जाओगे तो मीन निकालने का बहुत सारा तरीका दिए हुआ लेकिन अभी बस ऐसा ही दिया हुआ ज्यादा लेंथी नहीं करेगा आपको चूंकि आप 9th में ही है ये प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना है या संभावना कुछ भी हो सकता है यानी कि इसमें कुछ निश्चित तो नहीं है क्या होने का क्या चांस है वही सब इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग ज्ञात करते हैं यानी कि जानते हैं तो मैं बताऊंगा
हर एक चैप्टर्स को मैं ही लिखाऊंगा और मैं ही समझाऊंगा और मैं ही पढ़ाऊंगा, समझ गए? क्योंकि तुम समझदार लगते हो। सारा चैप्टर खत्म हो गया, सारा कुछ मैंने आपको पूरा चैप्टर को लिखा दिया सिलेबस को और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कितना इंपॉर्टेंट है वो। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी रहा होगा और आपके मन में भी डाउट होगा। अगर होगा तो एक बार उंगली घुमा दीजिएगा, मैं यहाँ पर देख लूंगा और समझ जाऊंगा। बस आज को देखना, और अगर आपने साइंस का नहीं देखा तो मैं साइड में यहाँ पे वीडियोस डाल दूँ, उससे देख लीजिएगा और यहाँ पर लोगों मुझसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, लोगों को भी हंसाते रहिए। क्लियर होता है जी? तो